तो मुंबई में आज पूरे दिन सियासत चलती रही। नवनीत राणा के घर पर शिवसैनिकों ने हंगामा किया। उसके बाद नवनीत राणा ने यह ऐलान किया कि वो मातोश्री के सामने चालीसा पाठ नहीं करेंगे। इस बड़ी खबर पर संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, अभी क्या स्थिति है? क्या नवनीत राणा के घर के बाहर से शिवसैनिक हट चुके हैं और मातोश्री के बाहर से क्या जानकारी मिल रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम नीलेश की आवाज ठीक से सुन नहीं पाए, फिर उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। और ये तस्वीरें नवनीत राणा की सोसाइटी में शिवसैनिक घुसे। सवेरे बड़ी तादाद में शिवसैनिक नवनीत राणा के घर के बाहर पहुंचे, हंगामा किया, उनके घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की, ये आरोप लगाया है नवनीत राणा और रवि राणा ने। हालांकि बाहर पुलिस का बंदोबस्त किया गया था, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग को भी पार करने की कोशिश कर रहे थे शिवसैनिक। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि मातोश्री, जो कि ठाकरे परिवार का आवास है, वहां घुसने की कोई कोशिश करेगा तो शिवसैनिक चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। और मुंबई में खूब सियासी घमासाना चलता रहा। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी। विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि मस्जिदों के आजान के बरक्स हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और नवनीत राणा पर संजय राउत का आरोप कि नवनीत राणा को केंद्र की शय है, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं संजय राउत, और साथ साथ नवनीत राणा और उनके पति को बंटी बबली करार देते हुए कह रहे हैं कि नवनीत राणा और रवि राणा बंटी बबली नौटंकी छोड़ें, केंद्र की शय पर इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, यह आरोप लगाया है संजय राउत ने। निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा भी विधायक हैं और दोनों केंद्र की शय पर यह पूरी कवायद कर रहे हैं, यह कहना है संजय राउत का। पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अमरावती की जो सांसद है उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है, वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, हाईकोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हाईकोर्ट में वो हार गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है, लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदद हो रही है। इस बड़ी खबर पर यशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यशा, मुंबई में आज पूरे दिन सियासी घमासान भी चलता रहा, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनती दिखाई दी। अभी क्या स्थिति है नवनीत राणा के घर के बाहर और शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मातोश्री के उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री में? जी, जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ मातोश्री में खड़े हैं। यहाँ कल से जो है शिवसैनिक जमा थे, लेकिन अब जो है जैसे ही नवनीत राणा ने ऐलान किया कि वो यहाँ पर नहीं आएंगी, वो मातोश्री पे आके हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी, लेकिन जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि वो नहीं आएंगी, तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि सब शिवसैनिक यहाँ से निकल के नवनीत राणा के घर पे गए। हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे, यहाँ से मेरे पीछे जो है मातोश्री है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल शाम में ही यहाँ से निकल के उनके जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वर्षा, वहाँ पे थे। यहाँ तक कि बाकी मिनिस्टर्स भी जो अंदर थे अभी मातोश्री में, वो भी निकल गए हैं। सिर्फ उनकी बीवी रश्मि ठाकरे यहाँ पे है और पुलिस जो है, पुलिस अभी भी तैनात है यहाँ पे। हमने देखा था मुंबई में सुबह से अलग अलग जगहों पे पुलिस तैनात थी, यहाँ तक कि कभी कई जगह नाकाबंदी की गई थी। और ये जो बीकेसी का जो रोड है वो भी बंद किया गया था, क्योंकि हमने देखा था कि शिवसैनिक भारी मात्रा में सिंधुदुर्ग अमरावती और मुंबई से जो है शिवसैनिक मातोश्री के पास और नवनीत राणा के घर जो खाड़ में है वहाँ सब जगह पहुंचे थे। लेकिन अब जो है जैसे ही ये ऐलान किया गया वैसे ही सब शिवसैनिक खाड़ की ओर रवाना हुए हैं। यहाँ तक कि अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो नवनीत राणा के घर के बाहर रुकेंगे, क्योंकि ये उनका कहना था, शिवसैनिक का ये कहना था कि वो उनके स्वागत में यहाँ रुके थे। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना था कि क्योंकि मातोश्री जो है उनके लिए एक धर्म स्थल जैसे है, इसीलिए वो मातोश्री के बाहर जो है नवनीत राणा के लिए इंतजार किए, उनके उनका स्वागत करिए इंतजार के लिए रुके थे। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही वो निकल गए। यहाँ तक कि हम ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सीएम ने कल खुद शिवसैनिक को कहा था कि वो अपने घर लौट जाए और यहाँ पे ना रुके। जी यशा, आखिरकार ये पूरा विवाद क्यों खड़ा हुआ था? अगर बात की जाए नवनीत राणा की, तो वो अमरावती के सांसद है, हालांकि हनुमान चालीसा के मुद्दे को उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके पीछे की पूरी सियासत क्या है? जी, जैसा आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले राज ठाकरे ने खुद ये बात का जिक्र किया था। इनफैक्ट जो लाउड स्पीकर की जो आजान पे लाउड स्पीकर हो रही है उनको उन्होंने चैलेंज करते हुए ये कहा था कि अगर मई 3 तक लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाए तो वो भी खुद रास्ते पर उतरेंगे। जिसके चलते हमने देखा था कि पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ तक कि MNS के जो कार्यकर्ता है वो भी खुद रास्ते पर उतर कर काफी जगह पे, यानी कि मस्जिदों के बाहर भी जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और इसके बाद हमने देखा था कि नवनीत राणा ये
उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र में सारी साथी लग गई है सीएम उद्धव ठाकरे के आने के बाद, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि वो यहाँ आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। लेकिन जैसे हमने देखा था एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि काफी शिव सैनिक रस्ते पे आए थे और कल जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आने वाले, जिसके चलते नवनीत राणा ने कहा कि वो ये डिसीजन वापस ले रही है आने का, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो मुख्यमंत्री के आने से पहले। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए यशा कोटक। तो मुंबई में नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का कार्यक्रम अपना स्थगित कर दिया है, रद्द कर दिया है, और साथ ही साथ ये कहा कि बड़ी संख्या में मातोश्री के बाहर जो दूसरे लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी उनका जो मकसद था वो कामयाब हो गया है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर के निशाना साधा है, शिवसेना को निशाने पर लिया है नवनीत राणा ने। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.